योगी सरकार प्रदेश में ऊर्जा खपत की मांग को देखते हुए सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने पर लगातार कार्य कर रही है। सरकार ने उद्योग और कृषि के क्षेत्र में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ाने के लिए कई कार्यक्रम और योजनाएं शुरू की हैं। पहली बार धार्मिक आयोजनों और उत्सवों को भी इसमें शामिल किया जा रहा है, जिसके तहत संगम नगरी में लगने वाले माघ मेले में इस बार सौर ऊर्जा का उपयोग होगा। माघ मेले में पहली बार होगा सौर ऊर्जा का इस्तेमाल। जी हां, योगी सरकार शहर से लेकर गांव-गांव तक सोलर ऊर्जा को बढ़ाने के लिए कार्य कर रही है। इस कार्य योजना में सरकार की प्राथमिकता बिजली की खपत कम करना और लोगों को पूरे दिन बिजली उपलब्ध कराने के साथ सोलर ऊर्जा के उत्पादन को प्रोत्साहित करना है। संगम किनारे लगने जा रहे माघ मेले में भी सोलर ऊर्जा के इस्तेमाल को लेकर सरकार ने योजना बनाई है। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के मुख्य अभियंता विनोद गंगवार बताते हैं कि जनवरी 2024 में लगने जा रहे माघ मेले में पहली बार लिथियम बैटरी आधारित सोलर ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इस बार इसका उपयोग किया जाएगा। माघ मेला क्षेत्र में बनने जा रहे सरकारी कार्यालयों और तंबुओं में सबसे पहले इसका उपयोग होगा।